हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज हम मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक मोटरसाइकिल का जो सेमेस्टर वन का कॉमन पेपर हुआ था 2018 में अगस्त में, वो सॉल्व करेंगे। तो मैं राहुल अगुड़िया डिजिटल ITI यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों। कुल इसमें क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर एक से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों बी, द वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पैरेलल सर्किट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, तो इसका सही आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर, तो इसका सही आंसर आएगा सी, सिलिकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर चेकिंग फ्लैटनेस एंड स्क्वेयरनेस ऑफ सरफेस, तो इसका सही आंसर आएगा ट्राई स्क्वेयर। द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी रीड विथ द हेल्प ऑफ स्टील रूल, तो इसका आंसर आएगा डी। मल्टीमीटर इज यूज फॉर मेजर, तो आएगा ऑल ऑफ दिस, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। इन अ ब्लैंक वाल अ वेज इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो, तो इसका सही आंसर रहेगा गेट वाल। SCR इज नॉन एस, तो इसका सही आंसर रहेगा ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, इन अ मैट्रिक माइक्रोमीटर अ कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ थिम्बल एडवांसिस, तो इसका सही आंसर रहेगा सी। रैचेट स्टॉप इज द माइक्रोमीटर हेल्प्स टू, तो इसका सही आंसर का ए, कंट्रोल द प्रेशर। अ व्हीलर गेज इज यूज फॉर चेकिंग द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच, तो कौन सा रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा सी, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग इज टू, तो उसका सही आंसर का ए, रिमूव इंड्यूस्ड स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन, आई फाउंडेशन बोल्ट इज नॉन एस, तो इसे कहते हैं हुक बोल्ट। बेस्ट इंसुलेशन अमंग द फॉलोइंग इज, तो इसका आंसर रहेगा माइका। फॉर जनरल पर्पस अ बेंच वाइज इज फिक्स्ड एट अ हाइट ऑफ, तो इसका सही आंसर रहेगा सी, 106 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज परफेक्ट फॉर क्विकली लूजिंग एंड टाइटिंग नट्स एंड बोल्ट, तो इसका सही आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज व्हेन द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ टॉर्क इज टू बी इम्पार्ट टू बी फास्टनर, तो इसका सही आंसर रहेगा सी, टॉर्क वेंच। अगला क्वेश्चन, विच वन अमाउंग द फॉलोइंग स्क्रैपर्स इज यूज फॉर स्क्रैपिंग ऑन बेयरिंग बूस्ट, तो इसका सही आंसर रहेगा सी, हाफ राउंड स्क्रैपर। अगला क्वेश्चन, टू वे प्लायर्स इज नेसेसरी टू ऑपरेट, तो इसका सही आंसर रहेगा डी। फाइल कार्ड इज यूज फॉर क्लीनिंग द फाइल टीथ, ट्रांजिस्टर हैज, तो इसका सही आंसर है टू पिन जंक्शन। कटिंग टूल इज यूज टू फिनिश एंड एनलार्ज अ होल इज नॉन एज, तो इसे करेंगे रिमर। बेंट स्निप इज यूज फॉर, तो इसका सही आंसर है डी, कटिंग द सीट अलोंग कर्व्ड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कटिंग टूल यूज टू कट आउटसाइड थ्रेड इज कोल्ड, तो उसे कहेंगे डाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रेक्टिफाई डैमेज और रस्टेड थ्रेड्स, तो इसका सही आंसर रहेगा ए, डाइनट। वॉट इज द यूज फॉर रिमूविंग ए ब्रोकन टैप, तो उसे कहेंगे, इसका सही आंसर रहेगा सी, द ग्रूअर्स प्रोवाइड ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल आर कोल्ड, तो इसका सही आंसर का बी, फ्लूइड्स। अ वेज लाइक टूल इज यूज फॉर रिमूविंग द टेपर स्नैक टूल फ्रॉम द नोज ऑफ द मशीन स्पिंडल, व्हाट इज दिस कोल्ड, तो उसे कहेंगे ड्रिल डिप्ट। हेक्सो ब्लेड टीथ गेट डल ड्यू टू एनी वन ऑफ द अबव, हाई स्पीड एंड प्रेशर, प्रेशर नॉट रिलीज ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक, कूलेंट नॉट यूज्ड। ओके, द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पस इज, तो 118 इसका सही आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन 33, ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल बाय मीन्स ऑफ, तो इसका सही आंसर है आर्बर। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन रिमर्स इज यूज फॉर करंट द मिस अलाइनमेंट बिटवीन द रिमर एक्सिस एंड द वर्क एक्सिस, तो इसे कहेंगे ए फ्लोटिंग ब्लेड रिमर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रिलिंग मशीन इज यूज फॉर ड्रिलिंग होल वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल, तो इसका सही आंसर है डी रैचेट ड्रिलिंग मशीन, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होगी तब। अ नट इज टू बी मेड फॉर स्क्रू ऑफ M10 into 1.0 व्हाट शुड बी द साइज ऑफ ड्रिल होल, तो इसका सही आंसर है 9.0 mm। विच अमंग द फॉलोइंग टूल इज यूज फॉर प्लेटिंग द मेटल अराउंड पंच्ड होल, तो इसका सही आंसर रहेगा बॉल पेन हैमर से किया जाता है। बिसाइड अ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कैन यूज ऑन इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिक फायर में कौन सा यूज होता है, तो ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर। बेस्ट स्पेनर फॉर ऑटोमोबाइल वर्क्स इज सॉकेट टाइप, फॉर टाइटिंग द सिलेंडर हेड बोल्ट वी शुड प्रिफर टू यूज, तो उसे कहेगा ट्रॉक वेंच। अगला क्वेश्चन, टेपर स्नैक ट्विस्ट ड्रिल आर प्रोवाइड विद मोर्स टेपर रेंजिंग फ्रॉम MT1 टू MT5, फाइल रिमूव्स द मटेरियल मेटल ड्यूरिंग, तो कब करता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में। अगला क्वेश्चन, द वेल्डिंग मशीन विच इज़ यूज टू कन्वर्ट AC वेल्डिंग सप्लाई टू DC वेल्डिंग सप्लाई, तो कौन ये उसे क्या कहते हैं, रेक्टिफायर सेट। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर इज यूज फॉर मोर फिनिश्ड वर्क इज रिक्वायर्ड, स्क्रू एंड बोल्ट विच आर ब्रोकन बिलो द सरफेस रिमूव बाय द स्क्रू ड्राइवर एक्सट्रैक्टर से उसे रिमूव किया जाता है। द बेनिफिट ऑफ 5S सिस्टम इज इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक वाल इज नॉन एज ए सटल वाल, तो कौन सा वाल है, तो वो है ओर गेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लैपिंग इज अ प्रोसेस फॉर फिनिशिंग, तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस। सोल्डर इज एन एलॉय कंसिस्टिंग ऑफ टिन एंड कॉपर, द कंपोजिशन ऑफ सिल्वर सोल्डर इज, तो इसका सही आंसर आएगा सिल्वर कॉपर एंड जिंक। दोस्तों मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर सही में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।